कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से 20 तक 24 का चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्या है? हो सकता है उनका स्वास्थ्य के कारणों से वो चुनाव रायबरेली से नहीं, कहीं से नहीं लड़ेंगी। अगर चुनाव लड़ेंगी तो रायबरेली से लड़ेंगी, अगर नहीं लड़ेंगी तो कहीं से नहीं लड़ेंगी। उस हालत में रायबरेली जनपद जो है ये गांधी परिवार का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर हर तरह के जितने भी लोग गांधी परिवार के सदस्य यहाँ से सांसद होते रहे, वो या उनका कोई खास जैसे कैप्टन सतीश शर्मा, अरुण नेहरू, तमाम लोग रहे। तो आगे भी ये बहुत पुराना पंडित मोतीलाल नेहरू का कार्य क्षेत्र रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्य क्षेत्र रहा है। रायबरेली बहुत पुराना इस गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भी लड़ेगा गांधी परिवार का वो चुनाव जीतेगा। प्रियंका जी लड़ेंगी, राहुल जी लड़ेंगे, या कोई भी लड़ेगा उस परिवार का या उस परिवार से संबंधित, तो वो जरूर यहाँ से चुनाव विजयी होगा, निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। और क्या कहेंगे सोनिया गांधी जी? सोनिया जी क्या इतना जरूर कहेंगे, उनका जो अगाध प्रेम रायबरेली से था और रायबरेली का विकास उन्होंने जो किया है वो कभी भूले नहीं भूलता। जिसमें यहाँ पर PGI के समकक्ष यहाँ पर एम्स खोला, यहाँ तमाम चीज़ें उन्होंने की जिससे कि जनता को बहुत लाभ है। केवल रायबरेली नहीं, आसपास के जनपदों की जनता आज लाभान्वित हो रही है। आज कम से कम ही 4-5 हज़ार लोग जो है प्रतिदिन एम्स में आकर के अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो कोई भूलने वाला नहीं है उनको, चाहे जो हो। मेरा ये कहना है कि इस तरीके की बातें जब 2019 का चुनाव था उस समय भी आई थी कि मैडम सोनिया गांधी चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने हमारा नेतृत्व किया और यहाँ से सांसद बनी। और हम लोग, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, NSY में भी रहा, आज मैं जिला कांग्रेस कमेटी में हूँ, जब तक सोनिया गांधी जी अपने मुँह से ये बात ना कहें तब तक हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि यहाँ से सोनिया गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगी। भाई स्थिति यह है कि 2019 के चुनाव के बाद हमारे लोकप्रिय सांसद चुनाव जीती, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अस्वस्थता के कारण ये जानकारी हो रही कि अस्वस्थ ज़्यादा रहती हैं, इसलिए वो रायबरेली नहीं आ पा रही हैं। मगर कहीं ना कहीं स्थिति उनकी अस्वस्थता जो अस्वस्थ रहती है उसकी वजह से ये कारण बन रहे हैं। और यहाँ पे स्थिति यह है कि अगर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, मगर स्थिति यह है कि रायबरेली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार रायबरेली के लोगों ने भाजपा का सांसद यहाँ पे बनाया था, और जब सांसद बनाया था तो रायबरेली में एक लूट मच गई थी, ठेकेदार प्रवृत्ति के लोगों ने जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया था और कहीं ना कहीं एक विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ था। और अगर भाजपा का यहाँ पे सांसद बनता तो कहीं ना कहीं, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा जन समस्या बेरोजगारी की है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली की भी समस्या है, जो आम उपभोक्ता है बिजली का अगर 30 रुपये का उसका जो है बिजली का बिल निर्धारित सरकार कर रखी है तो वो बिजली का बिल उसका हज़ारों और लाखों में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आम नागरिक भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, इसलिए इस सब को मुद्दों को देखते हुए यहाँ पे कभी भी भाजपा का सांसद नहीं होता। हो सकता है कि किसी के द्वारा पता चला हो, लेकिन हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी। और चूंकि उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहता है तो हो सकता है कि न लड़ें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वही लड़ें। और इन केस जैसे वो नहीं भी लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, कोई भी लड़ेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा समर्थन उनको पहले भी मिलता रहा है और अभी मिलेगा। और शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि किसको लड़ाना है, फिलहाल जो भी निर्णय होगा उसके साथ पूरी कांग्रेस और यहाँ की जनता रहेगी। हो सकता है कि चुनाव न लड़े, मगर फिलहाल यहाँ जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे, जो भी चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, भाजपा को छोड़ करके भाजपा का यहाँ सीट निकलने वाली नहीं है, भाजपा के लोग यहाँ से कभी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, फिर अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो क्या लग रहा है, किसको दे सकती हैं अपने पद को? अब किसी को दे, उनके परिवार में तमाम लोग हैं, पार्टी में तमाम लोग हैं, उससे हमारा लोगों को कोई मतलब नहीं है, या समाजवादी पार्टी का कोई आ जाए या बसपा
पार्टी का कोई आ जाए या किसी अन्य पार्टी का कोई आ जाए, मगर यहाँ भाजपा को वोट यहाँ ज़िले के जो भी हमारे किसान और मजदूर हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, जानवरों से लेकर के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, यहाँ के किसान और मजदूर जो है भाजपा को वोट नहीं देंगे। चुनाव वो अभी तक बराबर 2004 से आज तक लड़ती आ रही हैं, बीच में एक मिड टर्म भी चुनाव उन्होंने लड़ा इस्तीफा देने के बाद, तो उन्होंने कभी अभी तक पब्लिकली या वर्कर्स मीटिंग में कहीं ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं लड़ेंगी, और अगर कहीं चल रहा है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है कहीं इस तरह किसी ने बात किया। और जब तक उनकी तरफ से ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं, रायबरेली कांग्रेसी तो चाहते ही हैं, लेकिन रायबरेली का आम जन भी चाहता है कि उसी परिवार से कोई भी चुनाव यहाँ लड़े, तो वो लड़ेंगे या उनके परिवार का, ये उनकी इच्छा पे है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि मैडम अभी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो ही रायबरेली से चुनाव लड़ें, बाकी उनके ऊपर है, उनकी इच्छा पे है, उनका निर्णय है जो हम सबको स्वीकार होगा। रायबरेली के लोगों, रायबरेली की जनता सिर्फ गांधी परिवार को ही चाहती है और उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ का जन जन मानस यही चाहता है कि सोनिया गांधी ही इलेक्शन लड़े, और यदि वो नहीं चाहेंगी तो कोई उनके परिवार से लड़ेगा। तो मीडिया की बातों में बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत जनता को नहीं है। जब सोनिया गांधी का खुद स्टेटमेंट आएगा या कुछ हम लोगों को खुद विदित करेंगे तभी ये भरोसेमंद बात हो सकती है। मतलब आपका ये कहना है कि लिखित में जब तक नहीं आएगा तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा। लिखित में या अपने कांग्रेस के उसमें वरिष्ठ लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। ऐसा नहीं है कि रायबरेली के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता सब उनसे जुड़े हैं उनको बिना बताए कुछ इस तरह का निर्णय लेंगे। मामला तो उनका पर्सनल है, लेकिन रायबरेली से जो उनका लगाव है, उनकी पारिवारिक सीट है, उनके मतलब नेहरू साहब और मतलब इंदिरा जी और राजीव गांधी, संजय गांधी सभी परिवार के लोग के यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। बीच में एक आध बार हार भी गया चुनाव इंदिरा गांधी, लेकिन मतलब उनको निराश नहीं होना चाहिए और चुनाव रायबरेली से लड़ना चाहिए। रायबरेली जनता उनको बहुत प्यार करती है और मैं ये भी मानता हूँ कि वो भी रायबरेली जनता को बहुत प्यार करते हैं। और इस हालात में अब की 2024 का जो चुनाव होना है उसमें मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, उम्मीद यही पाई जाती है। बाकी उनका पर्सनल मामला है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि मेरी प्रबल इच्छा यही है सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें।